आम जनता और मजदूरों के हक के लिए हमेशा लड़ाई लड़ने वाली समाज सेविका मेधा पाटकर बीती रात को भिवंडी शहर के चाविंद्रा स्थान पर पहुंची, जहां पर भिवंडी शहर से पलायन कर रहे मजदूरों की जानकारी स्थानीय समाज सेवकों से ली और राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के ऊपर जमकर निशाना साधा। मोदी जी तो अभी एक एक राज्य को जानने के लिए बातचीत कर रहे हैं, हम तो पूरे देश घूमे हुए लोग हैं, हमको हर जिला मालूम है। तो बरौनी आज ट्रेन रात को 11 बजे निकल रही है, लेकिन बिहार के कितने लोग अभी रास्ते में चल रहे हैं, ये कितना दुर्दैव है। तो आपको ये पूरा अंदाज सरकार को देने का काम भी हमें सामाजिक कार्यकर्ताओं को करना होगा और जल्दी से जल्दी कम से कम संख्या कि ये दो और उनके साथ 40, ये दो और उनके साथ 30, ऐसी एक संख्या दे देंगे और उसका एक्चुअल रिकॉर्ड या तो पोस्ट ऑफिस में बनाए, पुलिस स्टेशन इसका काम सही दर्द के साथ संवेदना के साथ करेंगे नहीं जब तक उनको ओरिएंटेशन नहीं दिया जाता। वो उद्धव ठाकरे जी ने मांग की थी कि रेल पहले हमको कुछ दिनों तक चलाने दो, तो नोटिस देकर लोगों को जहाँ शुद्ध हवा है, यहाँ भिवंडी में 10x8 के कमरे में 10 लोग रहते हैं, एक शिफ्ट के 5, दूसरे शिफ्ट के 5, ये सब लोगों ने वहाँ आकर हमारे साथ बैठकर बॉर्डर पर सब बातें सुनाई है और हम जानते भी हैं, वो चाहे पावर लूम्स में हो, ड्राइंग फैक्ट्री में हो, बैटरी फैक्ट्री में हो, सब तो देश के लिए बुनियादी उत्पादन की बात है, वो वही करते हैं, बिल्डिंग वही बनाते हैं और उनको फंसाया जा रहा है। तो रेलवे से उनको छोड़ने का काम करना चाहिए था। आज भी पूरा परिवहन मुफ्त में होना चाहिए। आज मैं भिवंडी में हूँ, दुलिया और नासिक करके आई हूँ, पर पूरे राज्य राज्य में हमारे समन्वयक बने हैं, तो भिवंडी में भी बहुत काम लोगों ने राहत का किया है, पर अब जो तीसरी फेज़ और अभी चौथी फेज़ शुरू हो रही है तो उसमें लोग भी थक गए हैं और सरकार एक एक निर्णय लेती है, थाली बजाने का, दिया जलाने का, और यहाँ भूख इंसान को खाना खिलाने का समाज और सामाजिक संस्थाएँ करती जाएगी तो कब तक। विदेशी पैसे वाले लोगों की बात अलग है, जो अपने चंदे से सामूहिकता से कार्य कर रहे हैं उनको सलाम करती हूँ, पर अभी इस फेज में हम लोगों को जो श्रमिक बचे हैं उनको पूरा राशन दिलवाने का काम में भी जुटना चाहिए, जो हमारे लिए मंजूर किया गया है सरकार की तरफ से। राशन कार्ड नहीं हो तो भी अगर भूखा है, और सही में ये क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 2005 का PUCL के केस में कि देश में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, तो और कुछ चीज़ दिखने की ज़रूरत नहीं है, और डिजास्टर मैनेजमेंट फंड है, PM केयर्स फंड कहाँ जाएगा, नहीं तो हम लोगों को चाहिए कि उसके अब पीछे पड़े और जगह जगह से भूखे लोगों को ढूंढे, उनकी सूचियाँ बनाए, कलेक्टर को दे दें, कैसे नहीं देंगे राशन हम देख रहे हैं। दूसरा है वेतन, वेतन देना चाहिए हर ठेकेदार ने और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर में नहीं दिया गया। अभी भिवंडी के कोने पर लोग मिले बिना वेतन लिए, वो औरब गांव से आ गए हैं, तो इनको वेतन देने के लिए हमारे पास जानकारी चाहिए, मालिक की, मजदूर की और श्रमायुक्त के पीछे पड़ना चाहिए। हमने कल नासिक में देखा श्रमायुक्त कार्यालय के एक भी बंदे को इस काम में रास्ते पर उतरकर मजदूरों के बीच में जाकर वहाँ डेस्क लगाकर बैठना चाहिए, उसमें लगाया नहीं गया है। तो सामाजिक कार्यकर्ता जब तक हर काम में हस्तक्षेप पॉजिटिव नहीं करेंगे तब तक ये सब बातें नहीं होगी, कानून का अमल नहीं।